तुम्हें नवादा में रिज्यू आप देख रहे हैं नवादा, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का बीती रात 10 बजे से अपनी 14 सूत्रीय मांगे पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले के सभी तहसीलों में भी अपनी 14 सूत्रीय मांगे पूरी न होने के चलते संविदा कर्मियों का 72 घंटे का धरना प्रदर्शन बीती रात 10 बजे से शुरू हो चुका है। यह धरना प्रदर्शन वहीं संविदा कर्मियों की मांगे पूरी न होने के चलते संविदा कर्मियों में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा, वह नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट भी कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मियों ने बातचीत के दौरान बताया कि विभाग उनका जमकर शोषण करता है और यही नहीं उनके कार्य के हिसाब से उनको उचित सैलरी भी नहीं दी जाती, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जबकि बीते कुछ दिन पूर्व विभाग के पदाधिकारियों को इस बारे में लिखित जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने 72 घंटे कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जो लगातार 72 घंटे तक जारी। इसका मतलब यह है कि हमारी 14 सूत्री मांगे थी उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में ये हड़ताल चल रही है और हम लोगों का संविदा कर्मियों का शोषण होता है विभाग के द्वारा, तो उसी के उपलक्ष्य में है कार्य बहिष्कार चल रहा है और जैसे ही हमारी मांगे मान ली जाएंगी हम लोग पुनः अपने कार्य पर विधिवत आ जाएंगे। वो लाइट व्यवस्था पूर्णतया चल रही है, अगर कहीं ऐसी स्थिति है मानवता के नाते कि किसी की जान हानि होती है तो हम लोग उसको देखेंगे, वरना विभागीय कोई शटडाउन या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो हम किस बेस पे कार्य करेंगे, इसीलिए हम लोग कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। रात 10 बजे से हड़ताल पे हैं, फिलहाल हमारे सब स्टेशन पर अभी कोई चार्ज लेने नहीं आया है और हमारी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। इसमें हमारी मांग ये चल रही है, हम लोग वेतन बहुत कम दिया जाता है और काम भी लिया जाता है पूर्तिया और वेतन के नाम पे हम लोग कुछ अंश दिया जाता है जो कि गलत है, वही हमारी सरकार से मांग है कि वेतन बढ़ा के दिया जाए। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारा अपना चैनल नवाज ग्राफिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।